हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अनसर्टेनिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जी। पिछली वीडियो में डिफाइन किया था अनसर्टेनिटी को, क्या होता है जी कोई गैर यकीनियत, द रेंज ऑफ द एरर। आज बात करते हैं जी कुछ रूल्स की कि अगर आप फॉर इंस्टेंस एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी किस तरह जो है तो आप कैलकुलेट करेंगे। तो बुक ने आपकी हेडिंग क्या दी हुई है जी, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। बिल्कुल सही है जी, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशंस। तो अभी मैं आपको बताता हूं। तो नंबर वन, अगर आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, नंबर वन है जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये तो आपको पता है ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की होगी, यानी कि अगर मास है तो वो मास के साथ ही ऐड होगा, टाइम है तो टाइम के साथ ही ऐड होगा। मास और टाइम तो एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते। 2 किलोग्राम प्लस 4 सेकेंड, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर 2 किलोग्राम है तो उधर भी 4 किलोग्राम होना चाहिए। समझ आई? ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब एक में भी अनसर्टेनिटी होगा, दूसरे में भी अनसर्टेनिटी होगा, तो फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो ये रूल्स उसके लिए है। तो लेट से आपके पास एक वो है, एक है x1 एक क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू एक क्वांटिटी है लेट से x, तो इसका जो है x1 इसकी मेजर वैल्यू है और प्लस माइनस डेल्टा x इसमें एरर है। डेल्टा फॉर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। दिस इज फॉर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और ये जो एप्साइलॉन है दिस इज फॉर द रिलेटिव अनसर्टेनिटी। समझ आई? और फिर दूसरी क्वांटिटी है y, जो कि है लेट से x2 प्लस माइनस डेल्टा x2। समझ आई? तो अब अगर मैंने इनको ऐड करना है x plus y, तो ये किस तरह होगा जी, तो सिंपली आपने ऐड कर देना है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं उनके मेजर वैल्यूज को ऐड करूंगा, x1 प्लस x2, और फिर प्लस सब जो है प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज को भी मैं ऐड कर दूंगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। समझ नहीं आई, आ जाएगी ना जी। m1 है मास 1, 10 किलोग्राम प्लस माइनस 1 किलोग्राम। m2 है 5 किलोग्राम प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम। m1 प्लस m2 कितना होगा जी, m1 प्लस m2, तो मेजर वैल्यूज को ऐड करें, मेजर वैल्यूज को ऐड करें, 10 प्लस 5 इज 15 kgs प्लस माइनस 15 kg, नॉट kgs, प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज को भी ऐड करें, 1.1 kg। समझ आई? बिल्कुल आई। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, m1 माइनस m2 सब्ट्रैक्ट करें जी मेजर वैल्यूज, 10 माइनस 5 इज 5 kg, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करें अनसर्टेनिटीज को भी, 1 माइनस 0.1 सो 0.9 kg। सही लिखा, गलत लिखा। अगर सब्ट्रैक्ट करें फिजिकल क्वांटिटीज को या ऐड करें फिजिकल क्वांटिटीज को, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। जिसका मतलब दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू 1.1 kg। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। वो रेड मार्कर इधर है। तो देखे, अगर मैंने x प्लस y दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया तब भी आपकी अनसर्टेनिटीज ऐड होगी। अगर मैं लिखता हूं x माइनस y, जो मैंने यहां पर किया, दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेजर वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट हुई लेकिन अनसर्टेनिटीज फिर भी ऐड होंगी जी। अनसर्टेनिटीज वुड बी ऑलवेज एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल है। नंबर सेकंड इज द प्रोडक्ट एंड कोशंट रूल। स्पेलिंग्स आप खुद देखा करें। इसका मतलब है कि एडिंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वी विल गेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइनल मेजर वैल्यू। एड
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल वैल्यू. अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट से एक जो है वो x है, जिसमें x1, वो x तो आपको बस चले जो भी है, प्लस माइनस एप्साइलॉन x1 परसेंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वन. फिर अगर आपके पास एक नेक्स्ट है y, तो वो होगा x2, लेट से प्लस माइनस x2% उसमें अनसर्टेनिटी है. तो अगर आप करते हैं x मल्टीप्लाइड विद y, तो देखे x1 और x2 को मल्टीप्लाई करें, और जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी? प्लस माइनस. तो इन जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करना होगा. सिमिलरली अगर आप डिवाइड करते हैं, तो ये होगा x1 डिवाइड बाय x2, मेजर वैल्यूज को डिवाइड करें, और ये वही होगा, ऐड करना होगा आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को. किस तरह होता है तो बताता हूं आपको. अगर लेट से फॉर्मूला आपको पता है ना, V=IR होता है कि नहीं होता? आपको करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पेयर प्लस माइनस 0.1 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 ओम्स प्लस माइनस 0.1 ओम्स अगेन, और वोल्टेज अननोन है. तो इस पर मैं मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करूंगा. किस तरह करूंगा? तो अब देखिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे पहले फाइंड करें. तो इसका मतलब है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई में कितनी है? 0.1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड विद 100. तो ये खत्म करें, ये भी जीरो आता है, तो दिस इज 1%. और सिमिलरली आर में कितनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी? तो 0.1 डिवाइड बाय 100, ये तो 0.1 डिवाइड बाय, हाँ सही है, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 100 के साथ 1 डिवाइड बाय 10, सो दिस वुड बी 0.1% इसमें आ गई. समझ आई. तो इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा? I और R को मल्टीप्लाई करें, सो 10 मल्टीप्लाइड 100 इसकी वैल्यू होगी, और अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो 1% प्लस 0.1%. तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी आएगी आपके पास? 1000 वोल्ट्स प्लस माइनस 1.1% अनसर्टेनिटी. समझ आई? अभी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आया. अब अगर आप इसको एब्सोल्यूट में कहते हैं तो किस तरह करेंगे? तो आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द अनसर्टेनिटी अपॉन द मेजर्ड वैल्यू. तो देखिए, परसेंटेज आपके पास 1.1 है, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू कितना है? 1000 है. तो इससे आप अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं. 1000 को मल्टीप्लाई करें 1.1 के साथ, लेट से जो भी आता है, लेट से 1100 आता है फॉर इंस्टेंस, ये कैलकुलेट करें खुद. तो इसका मतलब आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी आई? 1000, 1100 नहीं आ सकता, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, लेट से 110 आता है, जो भी है, तो 1000 वोल्ट प्लस माइनस 110 वोल्ट्स इस तरह आप लिखेंगे. सिमिलरली डिवीजन के लिए भी होगा, यही प्रोसीजर होगा जी. सिमिलरली फॉर डिवीजन, यानी आपने क्या करना होगा कि मेजर वैल्यूज को आप एक दूसरे पे डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को उसी तरह ऐड कर देंगे, और अगर वापस आपको जाना है तो आप वापस भी इसी तरह जा सकते हैं. समझ आई कि नहीं है? एग्जाम्पल करने की जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट मैं आपको कराता हूं पावर रूल नंबर 3. इधर ही लिखता हूं, जगह है थोड़ी सी. पावर रूल, अगर किसी चीज के ऊपर पावर है, इफ पावर ऑन व्हाट, मल्टीप्लाइंग पावर विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मल्टीप्लाइंग पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वी गेट व्हाट? वी गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज, जिस क्वांटिटी के ऊपर पावर है, तो उस क्वांटिटी में जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को आप मल्टीप्लाई करें उस पावर के साथ, तो आपको फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी मिल जाएगी.
मतलब मैं आपको बताता हूँ, लेट से एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr² होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, एरिया इज इक्वल टू 4πr², बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास रेडियस का होना जरूरी है। से आपको गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अब देखे एरिया तो आप फाइंड कर लेंगे, 4πr² आप डाल लेंगे, ठीक है। मैं लेट से फाइंड करता हूं एरिया विच इज इक्वल टू 4π, और पाई की जगह मैं लेट से 3 लिख लेता हूं, ठीक है, 0.14 को छोड़े, और 10 और 10 इज 100 तो 100 लिख लेता हूं, 4 3 इज 12 मल्टीप्लाई 100 इज 1200 तो आया, लेकिन प्लस माइनस अब क्या आएगा? तो देखे रेडियस पे स्क्वायर था, तो रेडियस पे स्क्वायर था और रेडियस में अनसर्टेनिटी 0.1 है, तो इसका मतलब है कि इसको तो पहले आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस इज इक्वल टू 1%। 1% आ गया। अब इस 1% के साथ आप इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब है 2 पावर है, तो 2 मल्टीप्लाई 1% इस 2% की अनसर्टेनिटी इसमें है जनाब। अब अगर वापस आप इसको लिखना चाहते हैं तो उस 2% को अगर आप यूनिट्स में लिखना चाहते हैं, यानी ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसके साथ परसेंट है, लेकिन इसको भी आप यूनिट में लिखना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? ये देखिए नंबर थर्ड को मैं इधर ही लिख रहा हूं, तो आप देखिए 2% है, तो 2% दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू द अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द मेजर्ड वैल्यू दैट इज 1200, और 2% है तो 2 डिवाइड बाय 100 है ना जी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब है आपके पास जो एरिया आया दैट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अगर मैं आपको कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है 4 बाई 3 πr³, 4 बाई 3 πr³, तो आपने क्या करना होगा अनसर्टेनिटी को? अनसर्टेनिटी रेडियस में जो होगी उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी इस वॉल्यूम में। लेट्स से रेडियस में 1% थी, लेट्स से रेडियस में आपकी 1% थी, तो इसको आपने 1% के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3% आपकी इस स्फीयर की वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी होगी। मीन वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अच्छा दो और है जी, तो वीडियो को लंबी नहीं होने देंगे। फोर्थ रूल है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू में आप किस तरह अनसर्टेनिटी लिखेंगे? तो देखे लेट से आपने ऑब्जर्वेशंस की, आपके पास 5 आया 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, तो लेट से 5 को छोड़े, 5.1 5.2 3 4 5 आपके पास आया। अब आप क्या कहते हैं जी, इसका आप एवरेज लेते हैं, तो एवरेज आप किस तरह लेंगे जी? एवरेज आपने इन सब में अनसर्टेनिटी देखनी है, ठीक है, फाइनल वैल्यू में। तो सबसे पहले तो आप एवरेज निकालें, दैट वुड बी 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 एंड डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5.3। सो दिस इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू। अब इस एवरेज वैल्यू में आपके पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी? सो दैट वुड बी द मीन डेविएशन। द अनसर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू इज द मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। अब ये डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन होता है जी एवरेज से इसका डिफरेंस। तो इसको डिनोट करते हैं मेरे ख्याल में इस तरह से, तो x1 यानी 5.3 एवरेज वैल्यू है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 5.1 को, तो कितना आएगा? 0.2 आएगा। सिमिलरली सेकंड के लिए 5.3 माइनस 5.2 इज 0.1, फिर 5.3 माइनस 5.3 0, फिर 5.4 माइनस 5.5 इज 0.1, बड़े से छोटे को करें, ठीक है, 5.5 माइनस 5.3 इज 0.2। तो ये आपके पास डेविएशंस आ गई, हर एक मेजर्ड वैल्यू की डेविएशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। अब आप क्या करते हैं जी, अब
डेविएशन आ गई, अब आपको मीन डेविएशन चाहिए, मीन का मतलब एवरेज, तो अब आप डेविएशन का एवरेज लेंगे, जिसका मतलब 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 और 3 6 0.6 डिवाइडेड बाय 5, मेरे ख्याल में यहां पर मैंने यही किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है जी। यार इन्होंने लिखा नहीं हुआ ना, इन्होंने फाइनल वैल्यू नहीं लिखी हुई, जो भी है लेट से एक्स वैल्यू आती है, एक्स वैल्यू खुद करें इसको, तो ये इसमें अनसर्टेनिटी होगी। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू होगी जो आप रिपोर्ट करेंगे, जो आपका आंसर होगा वो होगा 5.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस, जो इधर से मीन डेविएशन आया, प्लस माइनस एक्स सेंटीमीटर, ये आपके पास इसमें अनसर्टेनिटी होगी जी। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट रूल है जी, अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। एवरेज वैल्यूज वाला हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब आप करें टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में, फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ रूल इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका मतलब है कि ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स या रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। Uncertainty in the time period of a vibrating body is found by dividing the least count of the timing device by the number of vibrations. Uncertainty in time period is equal to the least count divided by the number of vibrations. किस तरह, ये देखें क्या लिखा हुआ है जी, द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो देखें 30 वाइब्रेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इन्होंने कितना टाइम लिया जी, वाज रिकॉर्डेड बाय अ स्टॉपवॉच एक्यूरेट टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड, जिसका मतलब लीस्ट काउंट इसका 0.1 सेकेंड था, एंड द टाइम इज 54.6 सेकेंड्स, तो टाइम इसने लिया 54.6 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड क्या होगा, द टोटल टाइम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 54.6 डिवाइड बाय 30, तो अब ये टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1.82 सेकेंड्स। इस तरह लिख लेंगे ना, समझ आई, लेकिन अब इसमें अनसर्टेनिटी कितना होगा, तो लीस्ट काउंट क्या है जी, 0.1 लीस्ट काउंट है कि नहीं है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 सेकंड, तो इसका मतलब टाइम पीरियड को आप किस तरह फिर रिप्रेजेंट करेंगे, 1.82 प्लस माइनस 1.82 सेकंड प्लस माइनस 0.003 सेकंड्स। द टाइम पीरियड द In timing experiment, the uncertainty in the time period is the least count divided by the number of vibrations. Least count was 0.1, number of vibrations were 30. ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इधर मैंने क्या लिखा हुआ है जी, यही लिखा हुआ है कि अगर लिस्ट काउंट 1 सेकंड है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 100 आ गई, तो 1 सेकंड को आपने 100 पे डिवाइड किया, बिल्कुल आ गई। एक और अगर मैं रूल बताता हूं आपको, अगर एक जनरल सा मैं अगर बात करता हूं, तो अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है, आप उससे कोई और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से जनरली मैं एक सिक्स्थ रूल बना रहा हूं, एक आपने मेजर्ड वैल्यू ली, लेट्स से एक दो आइडेंटिकल स्फीयर्स इधर पड़ी हुई है, मैंने इनका लेंथ मालूम किया, ये लेंथ आया मेरे पास 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है, और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आया, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आया, ये इन दो का लेंथ है। अब अगर मैं इससे एक स्फेयर का डायमीटर मालूम करना चाहता हूं, तो वो क्या होगा, इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, डायमीटर इज इक्वल टू दिस लेंथ को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, बिल्कुल करूंगा, तो इसका मतलब 20 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 0.2, तो अब इस 0.2 के साथ मैं क्या करूंगा, 0.2 को भी मैं उसी नंबर पे डिवाइड करूंगा, विच इज व्हाट, विच इज 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब डायमीटर वुड बी 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैंने एक मेजर्ड वैल्यू ली, उससे मैं एक दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं बाय डिवाइडिंग इट बाय अ नंबर, तो
the uncertainty would also be divided by the same number. समझ आई? बिल्कुल आई. आपने एक मेजर्ड वैल्यू ली जो इधर आपके पास लेंथ है. अब उससे मैं एक और वैल्यू मल्टीप्लाई करना फाइंड आउट कर रहा हूं. उस मेजर्ड वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूं टू गेट अनदर रिजल्ट. तो इस मेजर्ड वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी होगी उसको भी आप डिवाइड करेंगे बाय द सेम नंबर टू गेट द अनसर्टेनिटी इन दिस रिजल्ट. ये आपने देख लिया, ठीक हो गया. सिमिलर इज द केस फॉर मल्टीप्लीकेशन. अगर आपके पास टाइम पीरियड आया, टाइम पीरियड आपके पास है 1 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड. ये आपके पास टाइम पीरियड है. तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक सिरे से शुरू होता है, एंड तक जाता है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं. दिस इज टाइम पीरियड. सो इसका मतलब दिस इज द टाइम फॉर वन वाइब्रेशन. अगर मैं 10 निकालता हूं, 10 वाइब्रेशंस का टाइम, फॉर इंस्टेंस 10t, इसका मतलब है अब वो मैं मेजर नहीं कर रहा, अब मैं इसके साथ मैथमेटिकल गेम खेल रहा हूं. तो इसका मतलब ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक नंबर को. तो इसका मतलब ये 10 सेकेंड भी आएगा और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. 10 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड. जिसका मतलब द सेम रूल कि अगर कोई मेजर्ड वैल्यू मैंने ली और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय अनदर नंबर to get another result. तो इसका मतलब उसमें जो now what will be the uncertainty in this result? So that would be equal to the uncertainty in the measured value multiplied by the same number. जो आपने measured value के साथ multiply किया है वही number uncertainty के साथ भी multiply करेंगे तो आपको final uncertainty मिलेगी. Similar for division. तो आई होप कि ये बहुत आसान बातें थी जी, आपको समझ आ गई होंगी. रिपीट अगर मैं करूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें, अनसर्टेनिटीज को आप ऐड कर देंगे, ठीक है. प्रोडक्ट क्वेश्चन में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जो भी हो, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है. मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डिवाइड करना है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिजल्ट में होगी जब आप दोनों के परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे. अब अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से वापस जाना है तो देखिए ये 1.1% है. तो दो जीरो जिसके साथ 10 डिवाइड बाई 0.1 से दिए 11 वोल्ट आएगा जी, ठीक है, 11 वोल्ट. तो देखे परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आपके पास फार्मूला है, आपके पास परसेंटेज गिवन होता है, मेजर वैल्यू होती है, अनसर्टेनिटी आप उसमें से मालूम कर सकते हैं जो हमने की. इसका यूनिट द सेम होगा एज अ वैल्यू. पावर में आप क्या करते हैं कि जो पावर होता है और जिस चीज के ऊपर होता है तो उस चीज में जो अनसर्टेनिटी होती है 0.1 उसमें आप निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी. तो देखे रेडियस की आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली जो कि आई 1%. अब आप फाइनल आंसर में इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द पावर, ठीक है जी, ठीक है जी. एवरेज वैल्यू में आप किस तरह निकालेंगे? तो एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी इस तरह होगी कि सबसे पहले तो आपने एवरेज निकाला, फिर अनसर्टेनिटी जो होगी वो मीन डेविएशन के बराबर होती है. डेविएशन क्या होता है? एवरेज से सबका डिफरेंस, तो वो आपने मालूम किया. फिर मीन होता है एवरेज, तो आप उस सब डेविएशन का मीन निकाले, जो भी आता है वो होगी अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में, यानी कि एवरेज वैल्यू में. टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या करते हैं? आपका जो लीस्ट काउंट होता है उसको आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करते हैं. तो ये आपको मिलता है अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड किस तरह फाइंड करते हैं? सो टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया. और सिमिलरली एक और रूल भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करने से, किसी मेजर वैल्यू को डिवाइड करने से कोई दूसरा रिजल्ट आप ले रहे हैं तो आप अनसर्टेनिटी को भी डिवाइड करें. मल्टीप्लाई करने से कोई और नंबर ले रहे तो अनसर्टेनिटी को भी मल्टीप्लाई करें. अगर आपको मैं होमवर्क दूं एक, अगर आपको मैं एक होमवर्क दूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स विच इज ए बी क्यूब सी स्क्वायर्ड अपॉन डी,
ए में अनसर्टेनिटी है 1%, बी में अनसर्टेनिटी है 2%, सी में अनसर्टेनिटी 3%, फोर में 4%, एक्स में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये आपका होमवर्क है, एंट्री टेस्ट का सवाल है जी। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए है जी। आप लोग जब बता देंगे मैं फिर अगली वीडियो में, तो खैर फिर अगर आपको शायद चले अगली वीडियो में शायद बता दूँ, अगर ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में फिर बाद में मैं लिख लूँगा। ठीक हो गया, तो मिल लेंगे जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।